नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशनल चैनल शिखर प्रजापति पर। कुछ सालों पहले की बात है, अली हाफिद नाम का एक व्यक्ति, एक किसान, बहुत ही दयालु, जो सभी की मदद करता था, सभी की हेल्प करता था, जो भी उसके रास्ते में आता था वो ज़रूर उनकी मदद करता था। दोस्तों, अली हफीद एक किसान था, उसके पास अच्छी खासी ज़मीन थी, सभी लोगों की वो मदद करता था। एक बार उस अली हफीद के पास एक पंडित जी पहुँचे और पंडित जी ने बताया उसको एक पत्थर कि अगर तुम्हारे पास ये एक पत्थर होगा ना, सिर्फ एक पत्थर, तो तुम पूरे देश को खरीद सकते हो, तुम अपने पूरे देश को खरीद सकते हो। अगर तुम्हारे पास दो पत्थर हो गए तो तुम पूरी दुनिया को खरीद सकते हो, यानी इतना ज्यादा कीमती पत्थर। अगर तुम्हें एक पत्थर मिल गया तो तुम दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर बन जाओगे, सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सनैलिटी बन जाओगे। दोस्तों, अली हफीद के दिमाग में ये बात बैठ गई और उसने सोचा कि मैं ये पत्थर लाऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, मुझे ये पत्थर चाहिए। और वो पत्थर था दोस्तों डायमंड। उस पंडित जी ने बताया कि दूर देश में तुम जाओगे और वहां पर तुम्हें एकड़ ऑफ डायमंड्स मिल जाएंगे, जहां पे तुम्हें चारों तरफ हर जगह डायमंड से डायमंड्स मिलेंगे, एक ऐसी जगह भी। दोस्तों, अली हफीद ने निश्चय कर लिया, फर्म डिटर्मिनेशन उसने किया कि नाउ आई विल डेफिनेटली गो एंड टेक द डायमंड्स फ्रॉम मी, अब मैं जाऊंगा डायमंड्स लेकर ही आऊंगा। दोस्तों, अली हफीद ने अपनी जितनी जमीन थी उसके पास उसको बेच दिया, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पड़ोसियों को सौंप दिया और अपना सब कुछ छोड़ के डायमंड की खोज करने के लिए, एकर्स ऑफ डायमंड की खोज करने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, चलता रहा, लगभग 6 महीने तक वो पहुंचा उस जगह जहां पर डायमंड मिलने की आशा उसे थी। वहां पहुंचकर उसने ट्राई करा, लगभग 5 महीने 6 महीने साल भर तक उसने ट्राई करा, बहुत मेहनत करी डायमंड्स ढूंढने के लिए, लेकिन उसको डायमंड्स नहीं मिले। दोस्तों, उसकी सारी मेहनत और सारा पैसा और उसकी पूरी शक्ति, सब कुछ खत्म हो गया। वो बहुत परेशान रहने लगा, बहुत टेंशन रहने लगा और एक दिन इसी टेंशन के कारण उसने सुसाइड कर लिया। कुछ ही दिनों बाद वो व्यक्ति जिसको अली हफीद ने जमीन बेची थी, अपने जानवरों को चराने के लिए उस जमीन पर जा रहा था। जब उसकी भेड़ बकरियां वहां पे घास चर रही थी, तभी उस व्यक्ति को एक पत्थर दिखाई दिया। बहुत अच्छी शाइनिंग कर रहा था, बहुत चमकीला पत्थर था। उसने उसको उठाया और देखा, सूरज की किरण जैसे उसे पड़ी तो एक रेनबो बना, इंद्रधनुष। उसको बहुत पसंद आया और उसने सोचा कि चलो ये तो बहुत सुंदर पत्थर है, मैं इसको अपने घर ले चलता हूं। और वो पत्थर लेके वो अपने घर चला गया। दोस्तों, उसी शाम को वही पंडित जी जो अली हाफिद के सामने आए थे और उन्होंने एकर्स ऑफ डायमंड के बारे में अली हाफिद को बताया था, वो उस घर पे पहुंचते हैं और देखते हैं वही पत्थर, तो बोलते हैं, अरे अली हाफिद वापस आ गया क्या? नहीं। उस व्यक्ति ने बोला, नहीं, अली हाफिद तो नहीं आया। बोले, पत्थर ये कहां से आया? इसका रास्ता तो मुझे, मैंने इसकी जगह तो अली हाफिद को बताई थी कहां मिलेगा। बोले, ये पत्थर, अरे तो साधारण सा पत्थर है पंडित जी, ये तो मैं अपनी बकरियों को घास चराने गया था, वहां पे मिला मुझे, मेरी जमीन पर वहां पे तो ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं। पंडित जी ने बोला, अच्छा चलो मुझे दिखाओ। और जब फ्रेंड्स पंडित जी उस व्यक्ति के साथ वहां पहुंचते उस जमीन पर, तो वहां पे देखते कि वहां चारों तरफ वो पत्थर ही पत्थर था। और फ्रेंड्स, वही था डायमंड। अली हफीद ने अपने एकर्स ऑफ डायमंड को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गया, लेकिन डायमंड आपने देखा कहाँ थे,
उसी जमीन पर जहां वो छोड़ के गया था, जिसको बेचकर गया था। फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है। हम अपने आप को देखते नहीं हैं, हम अब ये नहीं देखते कि हम कहां पर हैं, हमारे पास कितने अवसर्स हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितना सक्सेस हमारे पास ही मौजूद है। हम हमारे सक्सेस को, हमारे गोल्स को, हमारे अचीवमेंट्स को कहीं और ढूंढते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, आप दूसरे जॉब को ढूंढते हैं और सक्सेस के लिए। आप अपने गोल्स को कहीं और ढूंढते हैं, आप अपना बिजनेस कहीं और देखते हैं। यानी हर वो चीज जो आपको सफलता दिखाई देती है, आपको लगता है कि वो कहीं और है, वो कहीं और है, वो कहीं और है। लेकिन फ्रेंड्स, आपकी सफलता कहीं और नहीं, आप ही के पास है। आपके डायमंड्स कहीं और नहीं है, आपके डायमंड्स आप ही के पास है। फ्रेंड्स, हम लोग अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से कि दूसरों के पास वो है, दूसरों के पास वो है, दूसरों के पास ये है और मेरे पास नहीं है। फ्रेंड्स, आज से और अभी से अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ दें। बिकॉज इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड, यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। अपने आप को किसी से भी कंपेयर कर रहे हैं तो आप किसी और की इंसल्ट नहीं कर रहे दोस्तों, अपने आप की इंसल्ट कर रहे हैं। आज से और अभी से, मैं तो बोलता हूं आज से और अभी से, दोस्तों बिल्कुल आपसे बात कर रहा हूं, आज से और अभी से अपने हिडन टैलेंट्स को देखिए कि क्योंकि दोस्तों भगवान ने किसी को किसी से कम नहीं बनाया। हम सब ईश्वर की संतान है, वी ऑल आर यूनिक। सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट्स छुपे हैं। आप देखिए, बिल्कुल आपसे बात कर रहा हूं, आप देखिए कि आपके अंदर क्या वो प्रतिभा छुपी है, क्या वो टैलेंट्स हैं। दूसरों के टैलेंट्स को ना देखिए, दूसरे अपने टैलेंट से बहुत अच्छे हैं, आप भी किसी बात में बहुत अच्छे हैं। आपके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटी है, उस क्वालिटी पे फोकस करें, उस टैलेंट पे फोकस करें। आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सफलता के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर सक्सेस और फेलियर, ऑल यू आर रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल है, आपके सक्सेस, आपकी फेलियर, आपकी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप और कोई। डायमंड्स, आपके डायमंड्स, आपकी सक्सेस, आपकी सफलता किसी और के पास नहीं है, आपके पास है। आपको अपने हिडन टैलेंट्स को देखना है और फिर एक निश्चित लक्ष्य बनाकर लगातार 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 वर्क हार्ड करना है विद फुल जील एंड डिटर्मिनेशन, पूरे जोश के साथ उस पर वर्क करना है। और आपको सफलता दोस्तों मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सपोर्टर्स को मोटिवेट करने के लिए लगातार 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 इस तरह के वीडियोस हमारे शेयर करते रहें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम पे भी आपको हमारे मोटिवेशनल वीडियोस लगातार 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 मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।